अब हम लोग पढ़ेंगे इको। देखो, जो आँख और कान दोनों का परसिस्टेंस टाइम 1/10 सेकंड है। अगर 1/10 सेकंड के पहले, जैसे अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तो साउंड जाके लौट के आ रही है, और वो जो टाइम है 1/10 सेकंड के पहले आ रही है, तो अगर 1/10 सेकंड के पहले आ रही है तो फिर वो हमें नहीं समझ आएगा। रिफ्लेक्शन तो हरदम होता है, लेकिन वो समझ आएगा कि नहीं, वो समझ तभी आएगा जब वो टाइम 1/10 सेकंड के बाद आए। ऐसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं तो ये रिफ्लेक्शन यहाँ से भी हो रहा है, वहाँ से भी हो रहा है, लेकिन हमें तो इको नहीं समझ आ रहा। क्यों? क्या साउंड नहीं आ रहा? साउंड आ रहा है, लेकिन वो कितना टाइम आ रहा है? बिफोर 1/10 सेकंड। अगर 1/10 या उससे ज़्यादा टाइम लग जाए तो मेरे को समझ आएगा। तो इको होने के, इको समझने के लिए साउंड को आपके पास आने में कितना वक्त लगना चाहिए? आइदर 1/10 आर मोर देन 1/10 सेकंड। तो ये पहली बात, तो ये इम्पॉर्टेंट बात हुआ। और 1/10 सेकंड क्या होता है? परसिस्टेंस टाइम। 1/10 सेकंड के पहले कोई घटना हो जाए तो आँख खुला रहेगा तो दिखेगा नहीं, और कान खुला रहेगा तो सुनेंगे नहीं, तो ना तो दिखाई देगा ना तो सुनाई देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फार इको, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। जब हमने इंसिडेंट माने जब वो चला और जब वो लौट के आया, तो टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए? इसे हम डेल्टा टी लिखें तो ये होना चाहिए ग्रेटर आर इक्वल टू 1/10 सेकंड। इको के लिए बच्चों ये सबसे पहला ये पॉइंट हुआ, इको तभी सुनाई देगा। अब जैसे मान लो कि ये रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर है, ये कोई दीवार वाल है और ये रिफ्लेक्टर है, और यहाँ से साउंड वेव चल के वापस आएगी। ये साउंड वेव जाना है और ये लौट कर वापस आना है, ऐसे आएगा। अब यहाँ पे टी बराबर 0 पे चलेगा, और यहाँ पे जिस टाइम पे आएगा वो टाइम टी हो गया। अब टी टाइम कितना होगा? अगर मान लो कि ये डिस्टेंस बच्चों डी है, तो साउंड की स्पीड वी है, तो यहाँ भी साउंड की स्पीड वी होगी। अब टी का मान कितना हुआ? डी डिस्टेंस जाना और डी डिस्टेंस आना, तो यहाँ पे टी बराबर आया डी अपान वी प्लस डी अपान वी, मतलब टी बराबर कितना आया? 2D/V आया। अब इको हमें सुनाई देगा, तभी सुनाई देगा जब 2D/V ये ग्रेटर आर इक्वल टू कितना होगा? 1/10 ये होगा। अब यहाँ से D का मान होगा ग्रेटर आर इक्वल टू V/20, क्या होगा? ग्रेटर आर इक्वल टू V/20। फिर आप लिखोगे D ग्रेटर आर इक्वल टू, साउंड की स्पीड हम 330 लें तो /20। तो बच्चों जो D की वैल्यू आया मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 16.5 मीटर। तो कमरे में इको आपको सुनाई तब देगा जब आपका जो रूम है वो 16.5 मीटर से ज़्यादा लेंथ का हो। तो इतने में तो पूरा मकान होता है लोगों का, तो 16.5 मीटर इसमें इको सुनाई दे सकता है। इस हाल में इसकी लेंथ 16.5 मीटर से ज़्यादा है,
तो 16.5, तो इको होने के लिए कितना दूर होना चाहिए रिफ्लेक्टर? कम से कम 16.5 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये इको का कॉन्सेप्ट है। अब ये जो साउंड है, जो वेव हमें लौट के आई सुनाई दी रिफ्लेक्ट होके, तो बच्चों ये जो साउंड है, इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, मोनोसैलेबिक साउंड, मोनोसैलेबिक। दूसरा होता है बायसैलेबिक, बायसैलेबिक। दूसरा होगा ट्राईसैलेबिक, मतलब ऐसा कुछ भी लिखा जा सकता है, ट्राई के बाद टेट्रा पेंटा कुछ भी लिखा जा सकता है। मोनोसैलेबिक साउंड तब होगा जब टी का मान 1/10 सेकेंड हो, आने का टाइम। बायसैलेबिक तब होगा जब टी का मान 2/10 सेकेंड हो, माने 1/5। और ये ट्राईसैलेबिक तब होगा जब टी का मान 3/10 सेकेंड हो। तो कभी क्वेश्चन में दे देता है कि बायसैलेबिक के लिए रिफ्लेक्टर कितना दूर होना चाहिए, मोनोसैलेबिक के लिए रिफ्लेक्टर कितना दूर होना चाहिए। तो बच्चों इसके लिए रिफ्लेक्टर कितना दूर होना चाहिए, यहाँ पे d बराबर आपने देखा 16.5 मीटर, इसके लिए d कितना हो जाएगा 33 मीटर। समझ आ रहा? यहाँ पे आप लिखेंगे v/10 तो 33 हो जाएगा। तीसरे वाले में क्या लिखोगे? अब ये वाला यहाँ पे जब लिखोगे 2d/v, यहाँ पे क्या लिखोगे 3/10 ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो इसका 3 गुना हो जाएगा, तो d बराबर क्या हो जाए, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 49 आएगा क्या? तो 49.5 मीटर। समझ गए? बस इतनी बात जाननी है। मान लो पेपर में आ गया कि बायसैलेबिक के लिए रिफ्लेक्टर कितना दूर हो, अब आप जानते नहीं रहेंगे तो सवाल नहीं लगा पाएंगे, नंबर छोटा सवाल नहीं लग पाया। इसलिए यहाँ पे वर्ड का, ये वर्ड जानना चाहिए, लैंग्वेज जानना चाहिए किसे क्या कहते हैं। बस बच्चों इको की बात इतनी सी ही है कि कितना दूर पे रिफ्लेक्टर होगा और साउंड हमें कितने समय बाद सुनाई देगा। अब एक सवाल लिख लीजिए, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये देखो, ये दो दीवाल है, ये वाल है, ये रिफ्लेक्टर है दोनों। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ये आदमी, और ये ढोलक, ये ड्रम लिया है, ढोल बजा रहा है, साउंड जनरेट कर रहा है, ये भी रिफ्लेक्टर है, ये भी रिफ्लेक्टर है। साउंड की स्पीड दिया है 330 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में लिखा है कि इस आदमी को पहला इको 1.5 सेकंड पे सुनाई दिया, दूसरा इको 2.5 सेकंड पे सुनाई दिया, तो तीसरा इको कब सुनाई देगा? और दोनों दीवाल के बीच का डिस्टेंस कितना है? डी नहीं पता है ना, ये भी पता करना है। तो इसमें स्टेटमेंट लिखा है, इफ ऑब्जर्वर लिसन फर्स्ट इको एट 1.5 सेकंड एंड सेकंड इको एट 2.5 सेकंड,
देन फाइंड टाइम when it listen third echo उसे कब सुनाई देगा and separation between two wall मतलब D का मान separation between wall ये पूछा साउंड का स्पीड दिया है 330 meter per second। अब इस आंसर को आपको बच्चों बताना है और फिर आगे तक बढ़ जाना है। किस टाइम पर तो तीसरा वाला इको तो और देर में सुनाई देगा ना, टाइम तो बढ़ेगा। हाँ तो वैल्यू बताओ जो भी हो, जो समझ आ रहा है भाई बताओ। तो डी का मान कितना है? चलिए मैं देखो दिखा रहा हूँ, सुनो। अगर एक ही दीवार से इको आएगा तो रेगुलर टाइम पे आएगा। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और एक ही दीवार है, बराबर दूरी है, तो पहला इको 1.5 पे आया तो दूसरा 3 पे आए, यही मतलब हुआ ना। अगर पहला इको 1.5 पे आया तो दूसरा कब आया? 3 सेकंड पे। इसका मतलब है कि वो दीवार बराबर दूरी पे है। लेकिन यहाँ पे एक 1.5 पे आया तो 2.5 पे आया, इसका मतलब दोनों दीवार अलग अलग दूरी पे हैं। एक बार पहले दीवार से आया, एक बार दूसरे दीवार से आया। कैसे हम जान पाएँ कि दोनों दीवार अलग अलग है? अगर एक ही बराबर की दूरी होती तो फिर टाइम पीरियडिक आता, मतलब उतना ही टाइम रिपीट होता रहता। 1.5 से फिर 3 आना चाहिए था, 2.5 नहीं आना चाहिए था। अब इससे ये पता चला कि दीवार की दूरी अलग अलग है। अब यहाँ से साउंड जनरेट हुआ, इधर गया, इधर जाने के बाद ये वापस आया, ऐसे आया और इसको सुनाई दिया, तो ये T1 है और इधर का दूरी हो गया D1। तो मैं लिखूँगा 2D1 अपान V बराबर T1 और T1 बराबर 2.5 सेकेंड, 1.5 हो गया। अच्छा लगे जी, वन पॉइंट फाइव हो गया। अब उसकी ज़रूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन मतलब उसका वही है। अब देखिए फिर दूसरी तरफ देखिए, इधर भी साउंड तो गया ही है, अब इधर से साउंड जा रहा है ये, और लौट के इसके पास तक आया, और यहाँ पे जो टाइम लगा वो कितना हुआ? T2 लगा। अब T2 बराबर क्या होगा? इधर का डिस्टेंस हमने D2 ले ली, ये D2 है, तो आप लिखेंगे 2D2 अपान V बराबर T2 बराबर 2.5, सही है। अब हमें ये तो पता चल ही जाएगा कि दीवार के बीच का गैप क्या है। क्या करोगे? इन दोनों को प्लस कर दो, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो 2D1 प्लस D2 अपान V बराबर क्या हुआ? 4। मैंने सीधे प्लस कर दिया। अब दीवार के बीच का गैप तो D1 प्लस D2 ही है ना। अब हमें दीवार के बीच का गैप तो मिल जाएगा D1 प्लस D2। अब बच्चों यहाँ पे आप लिखोगे D1 प्लस D2
और डी वन प्लस डी टू बराबर होगा 4v अपॉन 2 माने 2v, 2v होगा। और साउंड का स्पीड कितना है 330 बराबर आया 660 मीटर। ये दीवार के बीच का सेपरेशन हो गया, समझ आ रहा है? अब दीवार के बीच का सेपरेशन हो गया, अब आगे और सुनो। अब तीसरा ई को कब सुनाई देगा उसकी भी तो तरीका है समझने का। देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम क्या है 2.5 और ये 1.5 और यहाँ से यहाँ तक आने का 2.5। अब आगे समझना क्या होगा, अगला इको कैसे आएगा। ये साउंड चला, आया, लौट कर फिर आया, तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम 1.5, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम 2.5, तो यहाँ पे पहुँचने का टाइम 4 सेकंड। तो तीसरा इको कब सुनाई देगा, 4 सेकंड। अब इधर वाला देखो, दोनों तरफ के साउंड को देखो, सुनो। एक तरफ का तो हो गया, दूसरे तरफ का देखो। इधर से साउंड चला, ऐसे आया, कितना टाइम लगा, फिर गया, फिर कितना लगा। इसका मतलब साउंड इसके दोनों कान में पहुंचा 4 सेकंड पर, ना? तो उसको सबसे तेज़ आवाज़ कब सुनाई देगा, 4 सेकंड में दोनों तरफ से आएगा, धड़ाम से टकराएगा। तो टी बराबर 4 सेकंड पर तीसरा इको आया। अब अगला इको कब आएगा, फिर 1.5 प्लस, फिर 2.5 प्लस, ऐसे ही अल्टरनेटिव आएगा। अब आपसे सीरीज नहीं बनवाएगा, जितना काम था उतना ही जानना था। तो टाइम ऑफ थर्ड इको, टाइम ऑफ थर्ड इको, थर्ड इको का टाइम क्या है ये पूछा है। तो टाइम ऑफ थर्ड इको माने T1 प्लस T2 और इन दोनों को सम करोगे तो वी गेट 4 सेकंड। सही है, ये आंसर हो जाएगा। इको का सवाल हो गया, एक सवाल और करिए बच्चों। अब आखिरी एक सवाल और हटा दूँ इसे, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब यही आपका सिलेबस है तो आना भी यही है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन। बस एक बार वो पढ़ा हो, देखा हो, या इतना समय हो कि एग्जाम में समझ पाए, तब भी सवाल लग जाता है, और वहाँ टाइम नहीं रहता, इसलिए पहले से देखे समझे रहो। अब बच्चों अगला क्वेश्चन को सुनो। देखो यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टर है, ये, और इस जगह कोई कार ड्राइवर कार लेके आ रहा है और साउंड का स्पीड है यहाँ पे 330 मीटर पर सेकंड। इसने हॉर्न यहाँ पे बजाया, इस जगह डी दूरी है। अब पता नहीं कि डी कितना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर इस ड्राइवर ने टी बराबर 0 पे हॉर्न बजाया और उसे उसी का इको 5 सेकंड बाद सुनाई दिया, कितने समय बाद, 5 सेकंड बाद, और ये कार की स्पीड दिया है 20 मीटर पर सेकंड। तो कार की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ कार है 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ लिख दिया, और यहाँ से साउंड वेव चलेगा। तो लिखा है कि इफ कार ड्राइवर, ऐसे लिखो, फाइंड वैल्यू ऑफ डी, फाइंड वैल्यू ऑफ डी फॉर विच
कार ड्राइवर लिसन इट्स इको आफ्टर 5 सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड कितना 775 ठीक तो बच्चों देखो 775 आंसर आ रहा आया 775 ठीक जिन लोगों के पास आंसर नहीं हो सब निकाल लो और स्पीड ऐसे ही बढ़ा के रखोगे तभी रिजल्ट आएगा बच्चों जान लो स्पीड भी बढ़ानी है एक्यूरेसी भी बढ़ानी है क्योंकि रिजल्ट लाना ही है 875 हाँ 875 द्वारा देखते हैं 825 ठीक है कुल मिला के आपको प्रॉब्लम यही है ना तो जोड़ आता है ना घटाना तब जगह गड़बड़ ही करते हो देखो अब इसको दिखाता हूँ कैसे आएगा लगाओ आराम से लगाओ एक मिनट दो मिनट जितना मिनट लगा पाओ अब देखो मैं लगाने चल रहा हूँ सुनो वो कार ड्राइवर 5 सेकंड बाद इको सुनेगा तो क्या कार तब तक वहीं खड़ी रहेगी वो आगे जा रही है अब कार यहाँ पे आ गई और ये टी बराबर 5 सेकंड कार कितना चल चुकी है 100 मीटर 100 मीटर कार चल चुकी है और ये वेव यहाँ से चलकर यहाँ आएगा और ये कितने स्पीड से वेव चला 330 मीटर पर सेकंड से कितना दूरी चला डी गया और डी माइनस 100 आया सही है और कुल कितना समय लगा वही 5 सेकंड तो आप लिखोगे टाइम बराबर डिस्टेंस डिस्टेंस में क्या होगा डी प्लस डी माइनस 100 अपान साउंड की स्पीड 330 पहले ये बताओ समझ आया कि नहीं 5 सेकंड में साउंड कितना दूरी चलेगा डी जाना और डी माइनस 100 आना तो और साउंड अपनी स्पीड 330 से चलेगा तो ये हुआ अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1650 बराबर 2D माइनस 100 330 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे अब बच्चों 2D बराबर आया 1750 अब D का मान आया 875 मीटर सही है चेक कर लो सही लगाया ना कैलकुलेशन चेक कर लेना तो 875 मीटर आया ये आंसर है यही आया था ठीक अब जिन लोगों का नंबर गलत है जो गलत नहीं मतलब गलत कर दिया होगा इतना हड़बड़ी भी ठीक नहीं है और इतना ना समझ होना भी ठीक नहीं है डी प्लस ये इधर कितना दूरी चला बताओ और इधर कितना आया तो कुल कितना चला टोटल टाइम 5 सेकंड लगा ना जाने का और आने का टोटल टाइम है ना 5 सेकंड तो इसलिए 5 लिखा बच्चों अब आपको इको भी आ गया ये भी आ गया सब आ गया अब आप एक लिखोगे लास्ट में शॉक वेव माने ऐसी वेव जो हाई स्पीड डिवाइस से जनरेट होगा मैं लिख रहा हूँ अगला पॉइंट अब देखो एक और ज़रूरत है उसको जानने की ज़रूरत है शॉक वेव ये वेव जब आती है ये वेव कैसे जनरेट होगी शॉक वेव का मतलब है कि ये वेव जब आपको टच करेगा तो काफ़ी फोर्स लगा देगा अचानक से जिसे इम्पल्स कहते हैं अचानक से बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देगा अब ये वेव आती कब है कैसे आती है इसी को कहा जाता है BOW वो वेव इसी को कहीं कहीं कहा जाता है वी वेव इसे तमाम नाम है
उसका सबका मतलब है केवल पहला है वर्ड शॉक, शॉकिंग वेव। ये तब आता है जब जो बॉडी है मूविंग बॉडी, जो मोशन में है बॉडी, मतलब बॉडी की स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा हो जाए, साउंड के स्पीड से ज़्यादा हो जाए, स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी नॉट इक्वल मोर देन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। बच्चों साउंड के स्पीड से अधिक हो जाए, और जब ये वेव जनरेट होगा तो बहुत ज़्यादा इनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, और जहाँ भी टकराएगा उसको डैमेज कर देगा। तो जिसको भी जहाँ भी ये वेव जनरेट होगी वहाँ जो भी चीज़ बने वो कैसा बनना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और उसे कहते हैं कि साउंड बैरियर होना चाहिए। जैसे ये पुल बन, ये वाला जो बांध वाला बना हुआ है, बांध उधर गंगा जी किनारे बांध बना है ना, पानी इधर ना आए, तो वो वाला साउंड बैरियर है, वो ऐसे ही बना है। एक ही पुल है साउंड बैरियर यूपी में, और प्रयागराज का बांध वाला पुल एक ही बना है, और उसको अभी ठीक से बना नहीं, वो नकली बना है अभी, उसको ठीक करेगा बना, उसको पास उसी पे हुआ है कि वो साउंड बैरियर होना चाहिए, लेकिन अभी वो ठीक से बना नहीं पाया था, उसे फिर से मरम्मत करा के ठीक करा रहा है, चल रहा है, काम चल रहा है उस पर। तो साउंड बैरियर का मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। होता क्या है कि जब हाई स्पीड से कोई डिवाइस या कोई मूविंग बॉडी माने प्लेन मान लो जा रही है, तो जो वो वेव जनरेट करेगी तो वो क्या करता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस हाई इम्पीडेंस, उसे क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस ही होता है पर उसे हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। और वो इतना ज़्यादा इम्पीडेंस होता है मीडियम में कि वो मीडियम में उस इम्पीडेंस के कारण वो मीडियम फटने लगता है, क्या होता है, टूटने लगता है, एक तरह से फोर्स लगाया, इम्पीडेंस का मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट किया, और जब फोर्स जनरेट किया तो मीडियम क्या होगा, ब्रेक होने लगेगा, जब ब्रेक होता है तो वही आवाज़ सुनाई देता है। जब फाइटर प्लेन जाती हैं तो गूंजता रहता है आवाज़ चारों तरफ, ऐसा आवाज़ गूंजता है कि कुछ आइडिया नहीं लगता कि इधर जा रहा है फाइटर प्लेन कि उधर जा रहा है, लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि वो क्या करता है, मीडियम को ब्रेक करता रहता है, तो वो इट प्रोड्यूस हाई इम्पीडेंस। तो ये कभी कभी पूछा गया है, इसलिए इस वर्ड को हम यूज़ कर रहे हैं, इट प्रोड्यूस हाई इम्पीडेंस, हाई इम्पीडेंस। और बच्चों उसका लोड जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, फाइटर प्लेन का लोड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्लेन क्या क्या ले जा रहा है, जो तोप बारूद पब्लिक को तो ले ही जा रहा है, प्लस साउंड को भी ढो रहा है, क्योंकि साउंड से स्पीड ज़्यादा है तो साउंड छोड़ के जा पाएगा, तो साउंड तो उसी में अटका रह गया, और इसका मतलब वो जो फाइटर प्लेन है उसका एवरेज क्या है, बहुत कम है, क्योंकि वो मशीन ज़्यादा पावर यूज हो रहा है, एक तो लोड को खींचने में और दूसरा साउंड को खींचने में। और अभी कार में जब हम स्टार्ट करते हैं तो साउंड निकल के बाहर चला जाता है, तो इसलिए कार का साउंड नहीं खींचना है, लेकिन फाइटर प्लेन अगर होगा तो साउंड को भी खींच रहा है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इसको लोड ज़्यादा पुल करेगा, इट पुल खींचता है, लोड प्लस साउंड लोड और लोड दोनों खींचता है। वाइड्स एवरेज इज वेरी लेस, ये फ्यूल बहुत जलता है, बहुत ज़्यादा फ्यूल जलता है, जो यहाँ पे प्रदर्शनी कर रहा था ऊपर ले जाके ऐसे नीचे कर रहा था, नीचे ले जा रहा था, तो उसमें फ्यूल बहुत जलता है, क्योंकि उसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर का तो यहाँ पे था, ऐसे दिखा रहा था 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर की स्पीड ही नॉर्मल होती है उसकी, अचानक इधर से निकलेगा उधर दिखाई देगा,
पता ही नहीं चल पाएगा, और उतनी हाई स्पीड पे वो मुड़ता है, चलाता है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये जो फाइटर प्लेन है वो और तेज़ चलती है, उसको तो समझ पाना ही मुश्किल है। तो बच्चों यहाँ पे लिखा ये दो पॉइंट है कि हाई इम्पीडेंस और ज़्यादा लोड पुल करता है, ये बात समझना था। इसमें ये थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है, बो वेव, वी वेव, शॉक वेव, इन सब के लिए। अब इसको जरा चित्र उत्र बना के दिखाते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये फाइटर प्लेन है टी बराबर जीरो पर। अब ये इसकी स्पीड क्या है, स्पीड बच्चों वी है। थोड़ी देर में देखते देखते ये यहाँ पहुँच जाती है, यहाँ पहुँच गई। अब जब यहाँ पे पहुँच गया, अभी आप मत बनाइए, अभी देखो मैं इसे ठीक करना पड़ेगा। इस जगह पहुँच गया, ये प्लेन यहाँ पे है, और किस टाइम पे आया, मान लो टी टाइम पर आया। अब अगर टी टाइम पे गया तो कितना दूरी चल लिया भाई, वी टी, स्पीड इंटू टाइम। और टी बराबर जीरो पे साउंड भी जनरेट हुआ था। अब ये साउंड इधर चला रहा है, ये इधर साउंड की स्पीड है, इधर क्या रहा है, साउंड। वहाँ से जो साउंड जनरेट हुआ वो चारों तरफ फैल रहा होगा। अब जहाँ आदमी है उसकी तरफ साउंड दिखाओ। अब साउंड जैसे मैं बोल रहा हूँ वो तो सभी तरफ जा रहा है, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो उसको तो मैं आप ही के कान तक पहुँचाऊँगा ना। तो जो आदमी सुन रहा हो उसके पास तक ले आओ। यहाँ पे आदमी खड़ा है और ये सुनने वाला है, लिसनर है। अब बच्चों जो साउंड की स्पीड है इसको मैंने वी एस लिखा है, वी एस माने साउंड स्पीड। अब इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ये लाइन खींचते हैं, ये लाइन। और इसको थोड़ा ठीक करते हैं। ये हटा दिया, ऐसे उधर भी होगा। और ये एंगल हम कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री। ये एंगल यहाँ पे बनता है 90 डिग्री। अभी आदमी सुन रहा है, साउंड आ रही है बी एस। अब टी समय में ये भी तो नीचे आई, तो कितना दूरी चल के आई, वी एस इंटू टी। और ये टी समय पर आदमी भी सुना, जब इसने साउंड को सुना, इसको लगा कि ऊपर कोई प्लेन वलेन जा रहा है, तो जब ऊपर देखेगा तो उसको प्लेन वहाँ पे दिख रही होगी या वहाँ जा चुकी होगी, तो अपने हेड के ऊपर देखेगा। लेकिन प्लेन क्या उसके हेड के ऊपर है, वो तो बहुत दूर जा चुकी है। अब ऐसे ही इधर भी वेव जा रही है, उधर भी, ऐसे उधर भी हम बना सकते हैं, ऐसे चारों तरफ फैल रही है। चलो ये फाइटर प्लेन हो गया ये।